नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। प्रश्न कुंडली की सीरीज में आज आपको प्रश्न कुंडली से स्त्री के गर्भवती होने के योग बताते हैं। प्रश्न कुंडली में यदि शिथिर लगन हो और शिथिर नवांश हो तो स्त्री गर्भवती होगी। प्रश्न कुंडली में यदि पंचम भाव व नवम भाव दोनों में शुभ ग्रह हो तो भी स्त्री गर्भवती होगी। प्रश्न कुंडली में यदि लग्नेश व चंद्रमा पंचम भाव में होंगे तो स्त्री गर्भवती होगी। प्रश्न कुंडली में यदि लगन व पंचम भाव में शुभ ग्रह होंगे तो भी स्त्री गर्भवती होगी। प्रश्न कुंडली में यदि लग्नेश व पंचमेश दोनों पंचम भाव में है तो भी स्त्री गर्भवती होगी। प्रश्न कुंडली में यदि लगन में बुध ग्रह बैठा है तो स्त्री गर्भवती होगी। प्रश्न कुंडली में यदि लग्नेश व सप्तमेश का संबंध बन रहा है, चाहे दृष्टि, युति या राशि परिवर्तन हो, तो भी स्त्री गर्भवती होगी। प्रश्न कुंडली में गर्भ ठहरने के लिए शिथिर लगन अच्छा है, चल लगन में गर्भ ठहर नहीं पाता है। अब प्रश्न कुंडली से बताते हैं कि गर्भ कितने महीने का है। प्रश्न कुंडली में लगन का नवांश देखें, जितने नवांश बीत गए हैं उतने महीने बीत चुके हैं। लग्नेश व सप्तमेश की आपस में कितनी दूरी है। लगन में शुक्र जिस भाव में बैठा है उतने महीने बीत गए हैं। यदि 9 से आगे चला गया है शुक्र तो पंचम भाव से गिनती करें। अब आपको संतान से संबंधित प्रश्न में प्रश्न कुंडली से बताते हैं कि स्त्री बांझ है या नहीं। प्रश्न कुंडली के अष्टम भाव में यदि शनि हो तो काक बंध्या योग होता है, इस योग में संतान नहीं होती है। अष्टम भाव में यदि सूर्य हो और शनि की राशि हो, यानी कि मकर या कुंभ हो, तो भी स्त्री बांझ होती है। अष्टम भाव में यदि चंद्र व बुध हो तो स्त्री बांझ होती है। पंचम भाव में पापी ग्रहों की स्थिति और किसी पापी ग्रह की दृष्टि हो तो भी स्त्री का ये काक बंध्या योग होता है, स्त्री बांझ होती है। यदि पंचम भाव पर 3 पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो यह भी काक बंध्या योग है। यदि 12वें भाव में यानी कि शय्या सुख के भाव में शनि, बुध और केतु बैठे हों तो भी काक बंध्या योग होता है। अब आपको प्रश्न कुंडली से पुत्र प्राप्ति के योग बताते हैं। प्रश्न कुंडली में शनि लगन के अतिरिक्त विषम भावों में यानी कि 3rd, 5th, 7th, 9th, and 11th भाव में हो तो प्रश्नकर्ता को पुत्र प्राप्त होता है। लग्नेश व पंचमेश दोनों विषम राशियों में हो तो भी पुत्र प्राप्ति की संभावना है। यदि लगन गुरु और चंद्रमा विषम राशि में हो और लगन में तथा नवांश लगन के स्वामी पुरुष ग्रह हों तो भी पुत्र प्राप्ति होती है। सूर्य और गुरु बलि होकर विषम राशि में हो तो भी पुत्र प्रदान करते हैं। लगन में पुरुष राशि हो और लगन पर पुरुष ग्रह की दृष्टि हो तो भी पुत्र की प्राप्ति होती है। अब आपको पुत्री प्राप्ति के योग बताते हैं। प्रश्न कुंडली में चंद्रमा, शुक्र व राहु सम राशि में हो और शनि के नवांश में हो तो पुत्री होगी। प्रश्न कुंडली में शनि का सम राशि में होना पुत्री प्राप्ति का संकेत है। प्रश्न कुंडली में शनि सम भावों में यानी कि 2rd, 4th, 6th, 8th, 10th भावों में हो तो पुत्री होने का संकेत है। प्रश्न कुंडली में यदि पंचम भाव में शनि की राशि हो और चंद्रमा से युक्त या दृष्ट हो
तो बच्चा गोद लेना पड़ सकता है। प्रश्न कुंडली में बच्चे की मृत्यु का योग बताते हैं। प्रश्न कुंडली में यदि अष्टम भाव में गुरु और शुक्र दोनों हो तो जन्म के बाद बच्चे की मृत्यु हो जाती है। प्रश्न कुंडली में यदि अष्टम भाव में पाप ग्रहों के साथ शुक्र और सूर्य की युति हो और प्रश्न लगन पाप कत्री हो तो भी यह बच्चे की मृत्यु का संकेत है।